लिपड टाइप्स फैट्स एंड ऑयल्स फर्स्ट द कंटेंट्स ट्राइग्लिसराइड्स केमिकल कंपोजिशन दे फंक्शन फैट्स एंड ऑयल्स ट्राइग्लिसराइड्स। स्टूडेंट्स अगर हम देखें लिपिड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं जैसा कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं डाई आ जाते हैं पोलीसेक्राइड्स हैं इस तरह से लिपिड्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें एक हमारे पास हैं जिसका सिंपली हम फैट्स का यूज़ करते हैं न्यूट्रल फैट भी कहते हैं या फिर ट्राईग्लिसराइड्स का यूज करते हैं ये एक ग्रुप है फैट्स के अंदर अभी हम इसके अलावा जो बाकी फैट्स हैं जैसे फास्फो आ जाएंगे या फिर इसके अलावा स्टीरोइड्स हैं ये इसके दूसरे जो ग्रुप्स हैं ट्राइग्लिसराइड्स so, की सिंपल डेफिनेशन इज दैट दे आर द सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स सबसे सिंपलेस्ट लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर प्रजेंट इन लिविंग ऑर्गनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी इनके जो मेन पर्पज़ है वो एनर्जी प्रोविजन है केमिकल कंपोजिशन ऑफ ट्राईग्लिसराइड्स ट्राईग्लिस अच्छा यहाँ थोड़ा सा क्लियर करता है जो ट्राई ग्लिसराइड जो है उनको फैट्स एंड ऑयल्स भी कहते हैं तो हम ट्राइग्लिसराइड कह लें फैट्स एंड ऑयल्स कह लें ठीक है या ट्राईसाइल ग्लिसरोल कह लें तो सारी सारी एक ही बात है केमिकल कंपोजिशन में ट्राईग्लिसराइड्स ट्राई मीन थ्री ट्राईसाइल ग्लिस यानी तीन ट्राई इट इज फॉर थ्री फैटी एसिड्स तीन फैटी एसिड्स हैं इसमें और एक ग्लिसरो मालिक्यूल है केमिकली जो ट्राईसायल गोल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ वन ग्लिसरोल मालिक्यूल दिस गोल इज एक्चुअली फार्मिंग बैक बोन ऑफ लिपिड ट्राईसाइल ग्लिस्टरोल्स देन देर आर थ्री फैट एसिड्स फैटी एसिड नंबर वन टू एंड एंड फैटी एसिड्स को अगर हम देखें दे आर लिंक्ड टू गिलिस्टरोल मालिक्यूल थ्रू दे आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के थ्रू जो है वो फैट के साथ लिंक होते हैं और यहाँ इसको कहते हैं असाइल लिंकेज ये जो लिंकेज बन रहा है इसको असायल लिंकेज है वो इसी वजह से हम इसको ट्राइसायल गोल्स भी कहते हैं अब जो फैटी एसिड्स हैं नॉर्मली दे वेरी इन देयर साइज मोस्ट कॉमन ट्राइसाइल ग्लिसोल्स दे हैव सिक्सटीन टू ट्वेंटी कार्बन फैटी ज्यादातर के अंदर सिक्सटीन से ट्वेंटी फैटी कार्बन वाले फैट जब वो मौजूद हैं अब जो ट्राईसाइल ग्लिसोल्स हैं इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं एक ये है कि तीनों के तीनों फैटी सेम हूँ यानी अगर पोजिशन वन के ऊपर जो पारमेट्रिक कैसेड है पोजिशन टू के ऊपर भी पारमेट्रिकड है पोजिशन थ्री के ऊपर भी पारमेट्रिक एसड है तो तीनों पोजिशन के ऊपर अब सेम फैटी एसड मौजूद है तो ऐसे ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल्स को हम कहते हैं दे आर सिंपल ट्राइसाइल गलेसोरोल्स अगर पोजीशन वन का ए फैटी एसिड है पोजीशन टू का कोई डिफरेंट मौजूद है तो फिर इसको हम क्या कहेंगे इट इज़ द मिक्सड गोल ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल्स तो दे मे बी सिंपल दे मे बी मिक्सड ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल्स वट इज देयर फंक्शन अभी शुरू में हमने बात की थी कि जो लिपिड्स के अंदर ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल का जो प्राइमरी फंक्शन है दे आर देयर टू प्रोवाइड एनर्जी उसके रीजन ये है कि ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल में एक ग्लिस्टरोल है तीन फैटी एसिड्स हैं तो और फैटी एसिड्स जो हैं दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसीलिए जो लिविंग एनिमल्स हैं ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो लिपिड की जो फार्म स्टोर है फॉर एनर्जी परपज़ दैट इज़ अ ट्राइसाइल ग्लिस्टोल यानी हमारी बॉडी के अंदर जो चर्बी है जो फैट है या बाकी एनिमल्स के अंदर मौजूद है वो एक्चुअली जो है वो ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल्स हैं तो ये आम ट्राइसाइल ग्लिस आमतौर तो पर फैट की फॉर्म है हमारे एडिपोसाइट्स के अंदर एडिपोसाइट कहते हैं फैट स्टोरिंग सेल्स जो होते हैं उनके अंदर मौजूद है दे प्रोवाइड मोर एनर्जी डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एक और एडवांटेज ये है कि दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होते हैं लिहाजा इनको वाटर की जरूरत ही नहीं है फॉर स्टोरेज परपज तो इसलिए तो जो ट्राई सारी ग्लूसरो रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर या लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर स्टोरेज एक और जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इंसुलेशन का कि जो फैट की लेयर एनिमल की स्किन के नीचे मौजूद होती है वो उनकी बॉडी की हीट को बाहर लूज नहीं होने देती है इसलिए ये इंसुलेशन का रोल भी प्ले करती है अब ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल को दो जनरल कैटेगरीज में हम डिस्कस करते हैं एक फैट्स हैं दूसरे ऑयल्स हैं फैट्स वो ट्राइसाइल ग्लिस्टरोल्स हैं जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं सॉलिड इसलिए हैं कि ट्राई जो फैट्स को बनाने वाले फैटी एसिड्स हैं दे आर सेचूरेटेड फैटी एसिड्स और आमतौर पर जो फैट्स हैं दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स एनिमल्स के अंदर मौजूद हैं oils, अगर हम देखें तो ऑयल्स देर एक्चुअली द लिक्विड फार्म ग्लिस्टरोल ऑयल्स ट्राईसाइल ग्लिस्टरोल के लिक्विड फार्म हैं ज़्यादातर ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं लिक्विड में होने की वजह यह है कि जो आयल्स हैं उनके अंदर तो जो फैटी है, एसड्स है, है, हैं दे आर अनसेचुरेट फैटी इसलिए दे आर अनसेचुरेट फैटी एसड्स हैं प्लांट सोर्स हैं इनका बेसिकली हैं अच्छा ऑयल को बाद में घी में कन्वर्ट किया जाता है पर नॉर्मल यूज़ के लिए उसकी जो जैसे नहीं बृनस्पति घी वगैरह जो हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली ये होता है कि जो प्लांट ऑयल है उसके फैटी फैट जो फैटी फैट्रेस है उसको सेचुरेटेड फार्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसलिए ऑयल लिक्विड होता है तो जो घी है या फैट्स हैं वो सॉलिड फार्म में एग्जिस्ट करती हैं